हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके कई तरीक़ों से उसको बनाया जा सकता है। और हिबिस्कस प्लांट के लिए तो बिल्कुल ये इतना ज़्यादा बेस्ट फर्टिलाइज़र है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं उसका यूज भी करती हूँ अपने गार्डन में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फर्टिलाइज़र हमको किस तरह से तैयार करना है, और उसका मैं अपडेट भी दूँगी आप लोगों को, 100% उसका सक्सेस रिजल्ट भी दिखाऊँगी। तो वीडियो पर मेरे लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको फर्टिलाइज़र क्या है। और देखिए हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करता है, और इसमें न्यू ग्रोथ अभी मैंने ऊपर से सिर्फ इसकी पिंचिंग की थी क्योंकि प्लांट बहुत छोटा था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी है। और आप देख सकते हैं नीचे से इसमें कितनी ज़्यादा ब्रांच डेवलप हो रही हैं। तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र लगभग सभी को पता है बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इसको आप लिक्विड फॉर्म में बना के डाल सकते हैं। मैं तो अपने गार्डन में उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लिक्विड बना करके अपने जितने मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं उनमें हमेशा देती हूँ। और इसको आप पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसको धूप में सनलाइट में ड्राई करके और आप इसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आप एक एक दो दो चम्मच अपने हर प्लांट में 15 दिन में या 20 दिन में देते रहिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। और तीसरा मेथड है इसको कंपोस्ट बनाना। तो कंपोस्ट हमको किस तरह से बनानी है वही मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए मेरे पास कुछ बनाना के पील्स हैं, ये लगभग कल परसों से रखे हुए हैं। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ये ऐसे ही रखे रह गए, और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर दिया था, और देखिए डिकम्पोज होना भी शुरू हो गए हैं, ब्लैक कलर के हो गए हैं सारे। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें आप ये हमारे पास है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट का 1 या 2 चम्मच लेना है और इसमें इस तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं, और कोकोपीट भी मिक्स कर देंगे तो जो इसका गीलापन छूटेगा, इसमें से पानी छूटेगा, वो थोड़ा सोख लेगा, तो आपके जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छा बनेगा। नहीं तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है फिर इसको, और ये लगभग 1 से 2 महीने में बहुत अच्छी खाद बनके तैयार हो जाती है। तो इसको 2-3 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट इस तरह से मिला दीजिए। ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं तो आप इसमें मिट्टी भी मिला सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़े से कुछ पेपर के टुकड़े मिला दीजिए साथ में, या फिर कोकोपीट मिला दीजिए, तो ये डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। जो आपके जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं आप इसको सभी में दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे घर में बहुत सारे बनाना आ जाते हैं और उसके छिलके का हम पूरे का लिक्विड नहीं बना पाते, तो उनको या तो आप ड्राई करके रख लीजिए या फिर इस तरह से आप कंपोस्ट बना लीजिए। तो इसको हम ढक करके, मैं इसमें नहीं रखूँगी इस टब में, मैं इसको पॉलीथीन में बांध करके और इसको छोड़ दूँगी लगभग 2 महीने के लिए। 2 महीने में बहुत अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। तो चलिए मैं इसकी जो अपडेट है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मेरा तो ये कई महीने से रखा रह गया था, मैंने इसको रख दिया था फिर मैं भूल गई थी इसको रखने के बाद। तो चलिए मैं आपको इसकी अपडेट भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा फर्टिलाइज़र जो लगभग 2 महीने 3 महीने पहले, मैंने 3 महीने हो गए मुझे इसको रखे रखे, ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और मैं इसको भूल गई थी रखने के बाद, ये मुझे अचानक से अभी साफ़ सफाई करने में मिला, ये बिल्कुल दबा हुआ पड़ा था और मैंने इसको इसी पॉलीथीन में बांध के रख दिया था। ये देखिए ये तो मैंने ऊपर से जो बैग लगाया है ये बाद में अभी लगाया क्योंकि बहुत गंदा से दिखने लगा था, काफ़ी टाइम हो गया था इसको रखे हुए मुझे। तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र है हमारा, और आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया है, और इसमें देखिए छोटे छोटे प्लांट्स भी निकलने लगे हैं। ये देखिए यानी कि बहुत अच्छे से डीकम्पोज हो चुका है, और आप इसमें देखिए एक भी बनाना का छिलका आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कहीं पर भी। और सिर्फ बनाना पील मैंने इसमें डाले थे और कुछ भी इसमें नहीं डाला था, इसमें थोड़ी सी मैंने यही 2-3 चम्मच कंपोस्ट मिला करके और इसको मैंने रख दिया था। तो ये कंपोस्ट हमारी बनकर तैयार होगी, मैंने बस थोड़ा सा ही रखा था क्योंकि मैं खुद ट्राई करना चाहती थी कि इसका कंपोस्ट किस तरह से तैयार होगा। तो ये देखिए आप अगर 1 चम्मच भी अपने प्लांट में देते हैं तो बिल्कुल ये आपके प्लांट फ्लावर से भर जाएंगे। तो आप कोई भी प्लांट में इसको दे सकते हैं, लेकिन खास करके हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज़्यादा असरकारक होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं इसको अपने हिबिस्कस के प्लांट में 1-1 चम्मच दे दिया करूँगी। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र ये बनकर तैयार हुआ है, और थोड़ा सी बिल्कुल बंध गया है, पहले तो ये गीला था बहुत, लेकिन रखे रखे भी देखिए ड्राई भी हो गया है थोड़ा सा, और बिल्कुल देने के लायक भी हो गया है। और देखिए इसको मैं हाथ से भी टच करूँगी तो ये हाथ से भी बिल्कुल हाथ में चिपकता भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है और बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार हो गई है इसकी।
तो आप इसको अपने घर पर जरूर बनाइए। अगर आपके यहाँ बहुत सारे बनाना के छिलके आपको मिल जाते हैं तो आप उनको इस तरह से कंपोस्ट बना करके, आप किचन वेस्ट कंपोस्ट तो बनाते ही हैं लेकिन आप इसको अलग से और बना लेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए, और बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल पोटेशियम से भरपूर ये खाद है, आपको ना तो पोटाश डालने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कुछ डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बस इसका थोड़ा सा इतना भी एक प्लांट में डाल देते हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। तो मैं अपने इसको हिबिस्कस प्लांट में यूज करूँगी और भी फ्लावरिंग प्लांट में मैं इसको डाल सकती हूँ, किसी में भी डाल दूँगी। तो आप इस तरह से खाद बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।